Hello and welcome to Mining Area. Today we are going to talk about important points of fire damp. Before that, please subscribe to the channel and hit the bell icon to get further notification. Let's start. कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिस पर आज हम फायर डैम के बारे में चर्चा करेंगे। गर्म गैस क्या है, गर्म गैस का मुख्य गुण क्या है, यह कोयला खानों में ही क्यों पाए जाते हैं, खान में गर्म गैस मिलने के स्थान, इसके जांच किन किन साधनों से किया जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिस पर हम देखेंगे खान में गर्म गैस कैसे निकल कर आयतन में आती है। तो शुरू करते हैं गर्म गैस के बारे में। यह मुख्यतः मीथेन नाम की गैस है जो गर्म तो नहीं परंतु आग या बिजली की चिंगारी से गर्म वस्तुओं के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे खनिक लोग गर्म गैस कहते हैं। गर्म गैस ज्वलनशील गैस है जो हवा या ऑक्सीजन में हल्की नीली चमकहीन लौ के साथ जलती है। हवा में 5.4 से 14.8% रहने पर गैस रहने विस्फोट हो सकता है। यदि हवा में अधिक मात्रा में कोयले के धूल कण मौजूद हो तो 2% में भी गर्म गैस विस्फोट हो सकता है। यह हवा से लगभग आधी हल्की होती है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 होता है, इसलिए यह चाल के पास अधिकतर पाया जाता है। गर्म गैस के मुख्य गुण, हवा से मिक्स हो जाने के बाद आसानी से अलग नहीं होती, यह रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होता है। पानी में बहुत ही कम घुलनशील होता है, 100 भाग पानी में 3.3 भाग ही घुल सकता है। नहीं है परंतु इसकी अधिकता हो तो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति का दम घुटने लगता है। ताप के स्रोत से संपर्क होने पर गर्म गैस तुरंत ही जलती, कुछ समय के बाद जलती है, इसीलिए लैगोन इग्निशन कहते हैं। यह कोयला खानों में क्यों पाया जाता है? कोयला सीम पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बना है। कोयला बनने की क्रिया में गर्म गैस भी बनी है। कुछ तो गर्म गैस हवा में उड़ जाती है और कुछ कोयले के क्षेत्रों में ऊपर नीचे के चट्टानों में दबकर रह जाती है। अतः कोयले का खनन करते समय गर्म देखेंगे। खान में गर्म गैस कैसे निकलकर आयतन में आती है? कोयले की चाल गिरने से गैस आउटबर्स्ट के रूप में, गैस ब्लोअर के रूप में। धीमा रिसाव, कोयले की नई सतह उघरने पर दबी गैस निकलती है। वायुमंडल का दबाव अचानक से कम होने पर गोफ में जमा गैस बाहर निकलती है। खान में गर्म गैस मिलने का स्थान, गर्म गैस वहाँ मिलती है जहाँ हवा अधिक निकलती है या जहाँ हवा का प्रभाव बहुत कम होता है, आयतन में निकलती है। आगे है फॉल्ट, डाइक या स्लिप के नज़दीक, राइज गैलरी के पास, चाल के गड्ढों में, बंद गैलरी में जो बहुत महीनों से गैलरी बंद होती है, गोफ के किनारों में, ब्लास्टिंग होल में, ओल्ड वर्किंग में जहां काम बंद हो गया है। गर्म गैस के जांच के साधन, फ्लेम सेफ्टी लैंप, मिथेनोमीटर, मल्टी गैस डिटेक्टर, LMD और लोकल मिथेन डिटेक्टर, AFD और ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर, कंटिन्यूस मॉनिटर और टेलीमोनिटर, गैस एनालिसिस अपैरेटस। यह थी आज के वीडियो में मिथेन गैस के बारे में पूरी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।